चार्ट पैटर्न सीरीज में आज हम जिस पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं वो है ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। और आज हम डिस्कस करेंगे ये पैटर्न कितने टाइप का होता है, किस टाइप से बनता है, मार्केट के किस ट्रेंड का सिग्नल देता है, इसे हम किस टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज इसकी एंट्री और एग्जिट क्या होना चाहिए। और एंड में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसे आप किसी भी मार्केट में यूज करके 100% अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये पैटर्न मार्केट में तीन टाइप से बनता है, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा सिर्फ सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि ये भी दो टाइप से बनते हैं, बुलिश सिमेट्रिकल और बेयरिश सिमेट्रिकल। तो चलिए बात करते हैं बुलिश सिमेट्रिकल के बारे में। ये पैटर्न मार्केट के बुलिश ट्रेंड में बनता है और अपने ट्रेंड के कंटिन्यू रहने का सिग्नल देता है। इस पैटर्न में मार्केट का ट्रेंड बुलिश होता है जो अपने टॉप पर एक रेसिस्टेंस बना के बेयरिश हो जाता है और थोड़ा नीचे गिरने के बाद एक सपोर्ट बनाता है, जहां से फिर बुलिश होकर अपने प्रीवियस रेसिस्टेंस के नीचे एक और रेसिस्टेंस बनाता है और फिर बेयरिश होकर अपने प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर एक और सपोर्ट बनाता है। करंट में हमारे पास दो रेसिस्टेंस और दो सपोर्ट अवेलेबल है जिनकी मदद से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये ट्रेंड लाइन कुछ इस टाइप से ड्रॉ होती है कि वो आगे चलकर एक दूसरे को टच करती हैं। देखने पर ये पैटर्न एक ट्रायंगल की तरह दिखाई देता है, इस कारण से इस पैटर्न का नाम भी ट्रायंगल पैटर्न रखा गया है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें दो रेसिस्टेंस और दो सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन पैटर्न अगर दो या दो से ज्यादा रेसिस्टेंस और सपोर्ट बनाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कैंडल अपने सपोर्ट से फिर बुलिश होती है और अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए अपने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। इसी तरह से बेयरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न मार्केट के बेयरिश ट्रेंड में बनता है और अपने बेयरिश ट्रेंड के कंटिन्यू रहने का सिग्नल देता है। ये पैटर्न मार्केट के बेयरिश ट्रेंड में एक सपोर्ट बनाता है, जहां से बुलिश होकर कुछ दूरी पर एक रेसिस्टेंस बनाता है, जहां से फिर बेयरिश होकर अपने प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर एक और सपोर्ट बनाता है और फिर वहां से बुलिश होकर अपने प्रीवियस रेसिस्टेंस के नीचे एक और रेसिस्टेंस बनाता है। करंट में हमारे पास दो रेसिस्टेंस और दो सपोर्ट है जिसकी मदद से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये ट्रेंड लाइन भी आगे चलकर एक दूसरे को टच करती है जो एक ट्रायंगल की तरह दिखता है। इसके बाद कैंडल या तो और रेसिस्टेंस और सपोर्ट बनाती है या फिर अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए अपने बेयरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसे हम किस टाइम फ्रेम में देखें। असल में ये हर टाइम फ्रेम में बनता है, डिपेंड करता है आप किस टाइप की ट्रेड ले रहे हैं। अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर की बात करूं तो हम इसे 1 मिनट से 15 मिनट के बीच के किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, और अगर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं तो आप इसे 1 डे 1 वीक या 1 मंथ के टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके एंट्री और एग्जिट के बारे में। इस ट्रेड में एंट्री हम ब्रेकआउट के बाद की फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर लेते हैं और हमारा टारगेट हमारे फर्स्ट रेसिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसके बराबर होगा। ओके, सो नाउ इन द एंड मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसे यूज करने के बाद आप अपना प्रॉफिट 100% बुक करेंगे, और वो है इसका स्टॉप लॉस। जब हम ट्रेड लेते हैं तो अपना स्टॉप लॉस हमेशा अपनी एंट्री के नीचे रखते हैं, जिससे हम अपना लॉस कम से कम कर पाए। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि ट्रेड में एंट्री लेने के बाद जब आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो आपको अपना स्टॉप लॉस बढ़ा के अपने एंट्री पॉइंट के ऊपर लगाना है, ताकि अगर मार्केट गिरता भी है तो आप एक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लेकर उस ट्रेड से एग्जिट हो। सो एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल दोनों को कवर कर लेंगे।